Umrangso women pledged to make market the cleanest one. It is perhaps due to ardent willingness, dedication among the women of Umrangso, a group of 15 women from various communities formed an organization in the name and style of Swachh Society of Umrangso Town to make the market the cleanest one. Though they have chosen the market as the prime target, but they also taken up cleanliness drive at College Road and provided with dustbin of their own in addition. This cleanliness drive around Umrangso took pioneered by Swachh Society of Umrangso Town, started during the World Environment Day and being continued with the support of Umrangso Municipal Board and the well wishes of the society. टाउन कमेटी और मार्स एसोसिएशन मिलके मतलब यहाँ पे सफाई अभियान लगाया. सफाई अभियान मतलब खाली उतना नहीं है, जो जो बाहर में दुकानदार जो करता है उसको ले जाके वो लॉन्ड्री में ढाला, जो बस्ती का आदमी आता है और उन लोगों को बोला आप लोग एक जगह में जगह जबरा टू जमा कीजिए, हम लोग का सुबह में टाउन कमेटी का गाड़ी आके ले जाएगा. और हम लोग का दुकान दुकान में टाउन कमेटी का आदमी जो गाड़ी दिया गाड़ी दिया अपना जबरा जमा करिए बोल के डस्टबिन दिया है. वो गाड़ी आता है, डस्टबिन ले जाता है, स्वीपर लोग आता है, डेली स्वीपर में झाड़ू मारता है. तो हम लोग और दुकानदार को बोल दिया है अपना अपना जबरा अपना सत रखना है, वो डस्टबिन में लेके ढालना है, बाहर फेंकना नहीं है. और कोई कस्टमर भी अगर फेंक के जाता है तो वो दुकानदार रिस्पॉन्स लेके अपना से वो डस्टबिन में ढाल देना है. वो कस्टमर को एक बार बोल देना है कि भैया प्लीज़ आप गंदा मत. In fact, the Umrangso market, which was dirty few months back, but now it has become the pride of Umrangso people for cleanliness and organized, for which the credit should go to the Women Brigade of Swachh Society, who have proved that where there is will, there is a way. Marina Ingipi, president of the society, said, "Yes, I am happy as the people appreciate our endeavor for keeping the Umrangso market clean, but our dream is to make this market the cleanest one in the district of Dimahasao. There are many things to do in near future. Now we are facing the problem of use of plastic for making extra shed in the front of the shops. We are trying our best to convince the owners of the shop not to use plastic anymore." जहाँ उमरांसो कुछ दिनों से है बहुत साफ़ सुथरा कहा जाता है और साफ़ सुथरा है भी. काफ़ी दिनों से हम लोगों ने यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ का साफ़ सुथरा करने का पीछे में किसका हाथ है और किसका क्यों इतना आजकल उमरांसो इतना उमरांसो जो टाउन है साफ़ सुथरे में लगा हुआ. तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो इसके पीछे में जो लोगों ने जिस लोगों ने मेहनत करा लोगों के बीच में अवेयरनेस लेकर और उस लोगों को जानकारी दिया कि स्वच्छता कितना लोगों के लिए बीच में ज़रूरी है और बाज़ार को किस तरह से उन लोगों ने पूरे एक मार्केट को संभाल के रखा. स्पेशली यहाँ इस उमरांसो में एक वोमेन लोग है जहाँ वोमेन स्वच्छता सोसाइटी है उन लोगों से है. वो उन लोगों ने काफ़ी ज़ोरों से यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन करने का वो जो यहाँ पे अभी इस वक्त उमरांसो टाउन बहुत क्लीन एंड क्लीन बोल सकते हैं. तो इस वक्त हमारे साथ जो महिला लोगों जानते हैं कि ये आप लोगों ने क्या कैसे सोचा इस पर ये जो उमरांसो टाउन को सफा करने के लिए स्टेप लिया है. हम लोग ये स्टेप लिया है कि हमारा जो जगह सब टाइम हर टाइम साफ सुथरा होने के लिए साफ सुफ होने के लिए हम लोग ऐसा काम किया. हम लोग स्वच्छ सोसाइटी करके हम लोग निकला है वो हम लोग ग्रुप बना के ये सोसाइटी हम लोग बना के साफ सुथरा किया है. हम लोग कितना दिन से छह सात महीना हो गया. अच्छा अभी अभी करते हैं और बाजार का लोगों सबको बैठने का जगह से देते हैं. हाँ वही सब अपना अपना सब्जी का जगह में सब्जी वाला लोग बैठने के लिए बोला है जो हिडल ये सब अलग बैठने के लिए बोला है और मछली मुर्गी जो है तो वो लोग बिक्री करा है उसको अलग सबको सिस्टमेटिक बैठने के लिए बोला है हम लोग और सब साफ सुथरा रखने के लिए बोला है. हम
अच्छा साफ सुथरा भी करा है, झाड़ू मारा हुआ है। अच्छा ठीक है। और सब हमारे साथ मौजूद है जहाँ ये जो दीदी आपसे जानते हैं कि ये जो आपने जब अवेयरनेस लेके आया कितना तकलीफ हुआ? हम लोग को बहुत हुआ। हम लोग पहला में अमरोसो में इतना गंदा था जे मच्छी का लाइन में भी थोड़ा से कमती बनाई के लोग लाइन लाइन में नहीं बढ़ के खुशी खुशी बढ़ रहा था। लेकिन हम लोग सोसाइटी हम लोग को सब हम लोग को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने हम लोग को अकेले बारने के लिए हम लोग को किया तो हम लोग सब मेंबर लोग हैं, इसलिए हम लोग सब अभी मच्छी का लाइन में सब्जी का लाइन में सब हम लोग एक साथ पूरा लाइन लाइन करके हम लोग बढ़ने दिए। हम लोग ये स्टार्ट किया जून 5 तारीख से हम लोग स्टार्ट किया और अभी भी हम लोग करते हैं। मान ली एक मंथ में हम लोग 2 टाइम्स तो हम लोग करते हैं, ठीक है हम लोग का काम। और हम लोग कोशिश करेगा और आगे बढ़ने के लिए। और किस किस का ज़्यादातर मदद है, मदद मिलता है हमारे, जैसे कि आपका उमरांसो टाउन कमेटी बोलो, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आपको मदद करता है, हेल्प करता है? हम लोग जो टाउन कमेटी से भी हम लोग को टाउन कमेटी का लीडर लोग से भी हम लोग मदद मिला। और हम लोग जो सुबह है हम लोग महिला लोग अपना घर छोड़ के हम लोग आता है हर रोज हफ्ता में एक बार, इसी मान में एक बार ऐसे हम लोग टाइम देके हम लोग आता है। इसमें हम लोग खाना पीना के लिए भी हम लोग को साथ देने वाला है, उसको नाम हम लोग लेगा जरूर। हम लोग को किरदारी जी ने हम लोग को 2 बार हम लोग को सुंदर से हम लोग को खाना वाना खिलाया। और ये दुकान वाला लोग भी हम लोग को चाय पानी देता है दिन हम लोग को नाश्ता के लिए, उन लोग को भी हम धन्यवाद देता हूँ। और उन लोग को हम रिक्वेस्ट है यदि हम लोग दूसरा टाइम हम लोग निकलेगा ये काम करने के लिए तो हम बाजार को जितना कमिटी लोग को जितना बाजार दुकानदारी लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट है, जैसे हम लोग उन लोग को समझाता है उन लोग भी मानने लगता है। अभी थोड़ा सा हम लोग को दुख है ये प्लास्टिक टंगाने के लिए भी हम लोग माना गया, 1 महीना तो पूरा क्लियर हो गया लेकिन अभी फिर शुरू किया। लेकिन अभी हम लोग फिर निकलेगा, इस हम लोग सक्सेस करने के लिए हम लोग जरूर करेंगे। पूरे भारत देश में प्लास्टिक का अगेंस्ट में जोरदार से सब लोग हम प्राइम मिनिस्टर से लेके सभी लोगों ने इसको इस प्लास्टिक फ्री प्लास्टिक करने के लिए सब लोग कोशिश के करता है। और आप जानते हैं कि ये जो उमरांसो टाउन काफ़ी साफ सुथरा देखने मिल रहा है तो लोगों का बीच में काफ़ी सारा अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ है। क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरह से बरकरार होगा? देश में हम लोग उनका देश में क्यों साफ सुथरा होने से देखने के लिए भी अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग सब महिला लोग हम लोग कमिटी बनाए के स्वच्छ सोसाइटी बोल के हम लोग एक एनजीओ का जैसा हम लोग फॉर्म किया, उसमें हम लोग उनका साथ दिया टाउन कमिटी लोग भी साथ दिया। तो हम लोग जून 5 तारीख एनवायरमेंट डे है उस दिन से हम लोग काम ये आगे बढ़ने के लिए हम लोग सब वीमेन लोग हम लोग आगे बढ़ा है। हम लोग कंटिन्यूली हम लोग काम किया, काम करते 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 अभी थोड़ा सा उमरांसो मार्केट में थोड़ा सुंदर लगा तो हम लोग और भी आगे बढ़ने के लिए हम लोग काम करेगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि जहाँ मेरा उमरांसो बाज़ार में जितना दीदी भाई बहन लोग जो बैठा आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि और भी अपना जगह सुंदर बनाने के लिए तो अपना रेस्पॉन्स लेने पड़ेगा, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट है और उमरांसो बाज़ार अच्छा करने के लिए, क्योंकि हर दिमाहासाओं में हम भी एक दिमाहासाओं का एक औरत है, हम एक मरद है। दिमाहासाओं में हमारा घर है बोल के अपना घर साफ सुधरने के लिए अपना जिम्मेदारी है बोल के सोच के हम लोग सब अपना अपना सोच के भी हम लोग काम करने पड़ेगा। और हम लोग स्वच्छ सोसाइटी का तरफ से हम लोग जितना मेंबर लोगों को भी हम बहुत खुशी है साथ दिया हम लोग आगे बढ़ने के लिए, जितना भी काम किया वो लोग भी साथ दिया इसलिए बहुत खुशी है। और भी हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेगा अभी से जितना अभी जो साफ सुधरा है उससे भी और आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। और हम लोग उनका साथ में साथ देता है हमारा मार्केट एरिया में जितना
हम लोग उन दिन भर काम करने का टाइम में भी हम लोग उनको साथ देता है, इंकरेजमेंट देता है, हम लोग बहुत खुशी है। गिरधरी सहाय जी ने भी हम लोग उनको बहुत इंकरेजमेंट दिया, और हम लोग उनका रेंजर, हम लोग उनका उमरांसो का रेंजर साहब ने भी हम लोग उनका साथ इंकरेजमेंट दिया। हम बहुत खुशी है उनका ऊपर में, और भी है भाई बहनों लोग, इसलिए और भी हम लोग उनका साथ में इंकरेजमेंट देने से हम लोग औरत लोग आगे बढ़ने के लिए और भी कोशिश करेगा। और हम लोग अभी तक कहीं जगह से भी हम लोग फंड नहीं मिला, फिर भी जितना हमारा महिला मेंबर लोग से भी हम लोग काम करने के लिए कोई कोई जगह में हम लोग अपना नहीं सकने का जगह में हम लोग दूसरा लेबर लेने पड़ता, उसमें हम लोग हजिरा देने लगता, तब हम लोग अपना अपना घर से हम लोग कभी 500 कभी 1000 करके हम लोग कलेक्ट करके वो लोग उनको हम लोग हजिरा दे के हम लोग काम कराया, और साथ में हम लोग भी काम किया। हम लोग बहुत आगे ले जाने के लिए हमारा उमरांसो मार्केट और भी क्लीन के लिए हम लोग उन आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, इसलिए जितना भाई बहनों लोग भी हम लोग उनका साथ में साथ देने के लिए हम अनुरोध करते हैं। हाँ, दुकानदार लोगों को हम रिक्वेस्ट करता है कि कोई कोई दुकानदार लोगों अपना एक दुकान में मछली साथ में रखने रखता है, सब्जी साथ में, और हम लोगों सोचता है कि उमरांसो में मार्केट सिस्टमेटिक से हम लोगों का दुकान करने चाहिए। जो कपड़ा का दुकान है कपड़ा किए, सब्जी का दुकान है सब्जी बैठे, लेकिन अभी जैसा रास्ता में पूरा बट के ब्लॉक करता है, जाने आने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो ये सब में हम लोग सहयोग किया। थोड़ा अपना जगह में रहने के लिए, अपना जगह में बैठने के लिए, देखने के लिए भी सुंदर लगेगा, और ये प्लास्टिक हम लोग नहीं टंगने के लिए हम लोग बहुत माने समझाया, और भी एक बार से उन लोग नहीं समझने से भी और भी हम लोग उन कोशिश करेगा समझाने के लिए, माने उस समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सुंदर होने के लिए। हम लोग उन दुकान करने का भी एक तो सिस्टमेटिक होता है, क्योंकि हम लोग उन मच्छी का जगह में सब्जी का जगह में फिर कपड़ा होने से तो उस गंदा लगता, देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए देखने के लिए अच्छा लगने के लिए हम लोग अपना से सोचने पड़ेगा, जितना मेरे भाई बहनों लोग भी। ये है मेरा स्वास्थ्य सोसाइटी लोगों का मांग, ये है इन्फॉर्मेशन बताया, और उसकी भी हमारे साथ बहुत लोग मौजूद है, उसे जानते हैं कि ये जो दीदी आप बताइए, ये जो महिला लोगों आप लोगों का कितना ज़्यादा आदमी है आप लोगों की टीम में? हम लोग काम करने हम लोग काम करा है, हम लोग काम तो शुरू करा, लेकिन हम लोग करने का टाइम में ना हम लोग को खुशी है, माने हम लोग का जो काम करने के लिए हम लोग का एक मैडम हाफलांग से भी आया, अच्छा से काम करा है बोल के हम लोग का साथ दिया था वो भी, तो हम लोग काम करा है। हम लोग तो हम बहुत हम लोग तकलीफ करा काम थू, इतना कंदा था पहले में, क्या क्या हुआ था पहले में, कचरा पूरा प्लास्टिक बा मछली बाजार में भी इतना कंदा, चलने नहीं सका इतना तक है, लेकिन अभी तो हम लोग थोड़ा काम करके वो लोग को थोड़ा हम लोग समझाएंगे तो अच्छा से वो लोग भी सफा करता है, लोग भी हम लोग बात मानता है, वो लोग भी तो थोड़ा हम लोग का सच में उठो प्लास्टिक के लिए वही रास्ता तो पूरा रूसी तो टंगाया ना, वही के लिए हम लोग का ना अच्छा नहीं लगता देखने के लिए। और खास करके यहाँ में लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से क्या क्या आप लोगों को इस उमरांसो टाउन को डेवलप करने के लिए क्या क्या जरूरी है आपका हिसाब से? वे तो हम लोग का माने सब साइट में ना जितना बाजार में हम लोग का अभी लंड्री नहीं है ना, लंड्री तो अभी सब्जी मछली का दुकान अभी देखो ना, सब्जी का दुकान में भी उधर में सब्जी बिक्री करता है, मच्छी बिक्री करता है, सब्जी बिक्री करता है, तो और एक लंड्री दो तीन ठू बनाने से तो माने सब्जी का अलग बा मच्छी का अलग सुक्ति दुकान अलग खाने से तो ना अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट जरूर आप लोगों का मतलब और भी घर हम लोग का लगता ही हम लोग का लंड्री और भी बाजार लंड्री और भी चाहिए जगह स्पेस चाहिए, जगह होने से तो अपना जगह जगह बैठेगा तो देखने के लिए सुंदर लगेगा, जगह भी कमती है, ज्यादा जगह भी कमती है, वो है ठीक है। Of the society also lamented for the unsystematic market.
She wants shop should be at its specific place granted by the UMB, Umrangso Municipal Board. Problem hai Umrangso market mein laundry shop abhi pura jagah nahi mil raha hai isliye hum log koi koi jagah mein to dalmia se bhi rejected wala sand ko bhi rejected limestone ye sab manga ke bhi hum log filling karke udhar mein jo log basti se aake sabzi bikri karne ke liye aata specially market day mein na to ulu ke liye hum log 10 truck 15 truck aisa dalmia se mang ke hum log filling karke wahan mein hum log baithata hai abhi isliye hum log ka abhi urgently laundry to hum log ka lagta hai aur parking gaadi parking ha parking ke liye space nahi hai jagah nahi hai wo hum log ka problem hai ki ye as a government hisab se yahan pe kafi sara infrastructure ka kami dekhne mil raha hai आप क्या बोलते हैं इसमें? क्योंकि हम लोग का मार्केट एरिया भी बहुत छोटा है और इसमें हम लोग दुकानदार लोग को भी हम लोग एडजस्ट करने नहीं सक रहा है, इसलिए हम लोग को लैंड ही चाहिए और गवर्नमेंट के लिए हम लोग डिमांड है कि लैंड ही चाहिए और साथ में हम लोग गाड़ी के लिए पार्किंग चाहिए। ये भी ज़मीन शॉर्ट है क्योंकि ज़मीन ही होगा शायद, लेकिन ये तो गवर्नमेंट दिलाने लाएगा ना, हम लोग तो निकालने नहीं सकेगा, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से मांग है कि लैंडी और ड्रेन अच्छा से बनाना है और हाँ मार्केट के लिए और गाड़ी पार्किंग हम लोग के लिए चाहिए ये हम लोग का मांग। तब जाके ये साफ सफाई होगा और हम लोग के लिए भी सक्सेस होगा कि और जितना उमरांगसो का पब्लिक के लिए भी अच्छा लगेगा और जो बाहर में आने वाला ये सब को भी देखने में मतलब सुंदर लगेगा। हाँ ये है हम उमरांगसो से जहाँ स्वच्छ सोसाइटी लोग जो उन लोगों का एक छोटा मोटा डिमांड है, उन लोगों ने काफ़ी सारा ऐसा सिस्टमेटिक करा है जहाँ उमरांगसो टाउन आज का दिन में क्लीन टाउन बोल सकता है, डिमांसो डिस्ट्रिक्ट का सेकेंड लार्जेस्ट टाउन बोल सकता है हाफलों को छोड़कर उमरांगसो, और उसमें ही ये स्वच्छ सोसाइटी लोगों ने काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन है ये इसको क्लीन उमरांगसो बनाने के लिए, उमरांगसो टाउन बनाने के लिए। और उसके साथ साथ में उन लोगों का एक छोटा सा डिमांड भी है, मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट भी इन लोगों का डिमांड जरूर फुलफिल कर सकता है, क्योंकि अगर चाहे तो एक पार्किंग का है और ड्रेन सिस्टम का है और काफ़ी सारा दो तीन डिमांड है, तो उन लोगों का जो डिमांड है जो जिस तरह से एक जेन्यून डिमांड मेरा हिसाब से जेन्यून डिमांड है, जहाँ एक टाउन के लिए एक बहुत ज़रूरी है जहाँ क्लीन टाउन बनने के लिए, और ख़ास करके डिमांसों में इस तरह सा लोग एनजीओस लोग उन इस तरह से लगातार ज़ोरदार से लगातार इनिशिएटिव लेने वाला कभी कहीं कम देखने मिल रहा है, लेकिन इसको उमरांगसो को देखने ये इन लोगों को देखने के बाद में लोग मैं आशा करता हूँ काफ़ी लोग निकल के आएगा और उमरांगसो ही नहीं पूरा डिमांसो भी क्लीन डिमांसो हो सकता है।